नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया जीत की दहलीज पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी भारत की जीत के लिए भारतीय फैंस को चमत्कार की उम्मीद है। उम्मीद लिए दर्शक स्टेडियम पहुंचे। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि भारतीय टीम के गेंदबाज करिश्मा कर सकते हैं। आज तीसरा मैच है। हम आपको बता दें कि होलकर स्टेडियम में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी से और जानेंगे क्या कुछ स्थिति इस वक्त मैच में बनी हुई है। राहुल जी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि मैच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि 2-0 से वैसे ही भारत आगे चल रहा है और ऐसे में वो अगर ये मैच जीतता है तो ऐसे में भारत का जो इरादा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का, जाहिर है वो कहीं ना कहीं जो इरादा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति जो देखें, इससे कहीं ना कहीं भारत की मुश्किलें भी बनी हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम जो है वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन क्रिकेट फैंस जो हैं वो काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल हार की दहलीज पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम और जो ऑस्ट्रेलिया है उसको केवल 10-11 रन ही चाहिए जीत के लिए। तो तीसरा टेस्ट मैच जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया की झोली में जाएगा और हालाँकि जो सीरीज़ है वो ज़रूर भारतीय टीम के पक्ष में गई है कि 2-1 से सीरीज़ जो है वो भारतीय टीम अपने नाम करेगी, लेकिन इसके बाद अभी जो चौथा टेस्ट रहेगा वो एक काफ़ी क्रूशल रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बताऊँ कि चूंकि इंदौर में इस मैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी, काफ़ी ज़्यादा उत्साह था दर्शकों में, लेकिन अब जिस तरह से भारतीय टीम हार के गगार पे पहुँच गई है तो जो दर्शक हैं वो स्टेडियम से बाहर निकलना शुरू हो गए, काफ़ी निराश वो नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन जो फैंस हैं उनको काफ़ी निराशा हाथ लग रही है। स्टेडियम के अगर हम चारों तरफ के अगर गेट्स की बात करें तो जो फैंस हैं वो लगातार धीरे धीरे करके स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि चूंकि कुछ 76 रन का ही टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला था जीत के लिए, बावजूद उसके इंदौर में ये उम्मीद थी दर्शकों को कि आज भारतीय गेंदबाज जो है वो काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे, कुछ करिश्माई प्रदर्शन करेंगे और उसके चलते ये जो टारगेट है उस पर भी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच पाएगी। सुबह भी दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि उत्साह देखा जा रहा था और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो ये कहेंगे संख्या में दर्शक जो हैं वो स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन अब चूंकि मैच में भारत जो है वो हार की कगार पर पहुंच गया है तो ऐसे में अब जो क्रिकेट फैंस है वो निराश होकर स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाएगा कि ये जो पूरा मैच रहा है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं भारतीय टीम के परफॉर्मेंस में। जिस तरह से भारतीय टीम अपने मैदानों पर, भारतीय बल्लेबाजी अपने मैदानों पर काफ़ी मजबूत मानी जाती है, वो इंदौर में दोनों ही पारियों में पूरी तरीके से फेल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके मैच में कुछ उम्मीदें जो थी वो बना रखी है। हम इस पूरे मैच के बारे में रोशनी बात करेंगे जो इंदौर के वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं अनिल त्यागी, हम उनके साथ में पूरे मैच को लेकर उसकी समीक्षा भी करेंगे। सर, ये जो पूरा मैच हुआ है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म करेंगी, चूँकि इंदौर का होलकर स्टेडियम भारतीय टीम के लिए लकी मैदान भी रहा है, कभी हारी नहीं है टीम इंडिया यहाँ पर, तो ऐसे में ये जो मैच का परिणाम आ रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले दिन से ही जब टॉस हुआ और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी के लिए फैसला किया और पहले आधे घंटे में ही पिच ने अपना जो रुख दिखाया है उसके बाद ये लगभग तय सा हो गया था कि ये विकेट मतलब सामान्य जो लोग टेस्ट मैच के जो विकेट बनते हैं वो उस तरह का नहीं है। और फिर देखा ही होगा कि आप भारतीय टीम 109 रनों पर ढेर हो गई, उनके भी चार बल्लेबाज पहले दिन ही 14 विकेट गिर गए, तो उस स्थिति को देखते हुए और फिर दूसरी पारी में भी इंडिया टीम अगर देखे विकेट उनके लिए भी वैसे ही था, अपने लिए भी था, उसे भले आप ख़राब स्थिति का विकेट कहें या कुछ कहें, पिछले दो टेस्ट मैचों में भी वो हुआ, तो कुल मिला के क्या है कि अगर इस तरह के विकेट के कारण ही अगर ये सब टेस्ट मैच होंगे तो ये टेस्ट के स्तर के तो विकेट था नहीं, मतलब कुल मिला के अभी चर्चा भी है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, तो भारतीय टीम का बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा विकेट कैसा भी रहा हो जाके, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने से बेहतर प्रदर्शन किया, तो आप देखिए आज जीत की स्थिति में है, 4-5-6 रन चाहिए और 76 रन का जो लक्ष्य मिला उन्हें। पहले भी हालांकि पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पे ही अश्विन ने जो विकेट जो 30 मिनट जो टर्न कर शुरू सुबह का नमी का पहला विकेट ही ले लिया,
तो लोगों में लगा कि यार वो बेचारे कम जो दर्शक जमा थे उनको लगा कि यार कल वो उमेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ना हम जितना मैच लंबा जाए हमारे लिए वो होगा, हम प्रयास करेंगे। पर ये तय जैसा था कि दो दिन जैसा लगा तो लोगों को लगा, हालांकि जब टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ था तो क्या कहा जा रहा था कि चार दिन तक कम से कम चलेगा क्योंकि वर्ल्ड कप होना है, बहुत सारी स्थितियां हैं आपने देखा होगा पिच को लेके। पर जो स्थितियां बनी इंदौर में ये बहुत टेस्ट मैच के लिहाज से ठीक नहीं थी, और विकेट के और दर्शक बेचारे पैसे दे के आते हैं और बहुत उत्साह से आते हैं, क्रिकेट देखने आते हैं, पिच देखने नहीं आते। मेरे ख्याल से आप भी क्रिकेट को समझते होंगे, तो बहुत निराश हैं दर्शक। देखिए आप ये सब, कल भी पहले ही दिन ही थोड़े से दस एक हज़ार दर्शक दिखे होंगे, 27,000 की क्षमता है, पैक रहता था हमेशा। आपने देखे होंगे पिछले दो टेस्ट मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ अपन जीते, मैच भी चला, पर इसमें आप ढाई दिन में ही ख़त्म हो रहा है मैच, और पिछले दो मैच भी हो तो जो इंदौर के क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट समझते हैं, जो असली क्रिकेट देखना चाहते हैं, टेस्ट मैच मतलब क्रिकेट होता है असली क्रिकेट, और पाँच दिन का जो वो चार दिन में भी हो परिणाम, पर विकेट वैसा हो, पर आपने यहाँ विकेट देखा है तीन दिन में ही क्या हालत हुई। सर हमारे पास में एक अपडेट आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया है और अब सीरीज जो है वो 2-1 के स्कोर पर है। आप मानते हैं कि ये जो अब जिस तरह से टेस्ट मैच के लिए आपने कहा कि आखिरी के जो दो टेस्ट मैच जो थे वो अब सवालों के घेरे में आ गए, इसके पहले वाला जो नागपुर का जो टेस्ट विकेट था उसके ऊपर भी सवाल उठे थे और अब इंदौर का भी, उसमें केवल तीन दिन में ही मैच खत्म हो रहा है, ये टेस्ट के लिए अच्छा नहीं है? तीन दिन भी कहाँ, पूरे तीन दिन भी नहीं हुआ ना, ढाई दिन ही हुआ, और ये पहला हुआ है कि पहले सेशन में ही समाप्त हो गया है। आप देखिए लंच से पहले वो दो टेस्ट मैच तो थोड़ा देर तक चले थे, मतलब लंच दूसरे सेशन में हुए, ये पहले हो गया। तो मुझे लगता है कि यार ये विकेट को लेके बात जारी रहेगी, और ऑस्ट्रेलिया देखिए आप सीरीज दो से भी बड़ा, अब ऑस्ट्रेलिया ये है कि तय हो गया कि वो फाइनल खेलेगी वर्ल्ड कप वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का, इस जीत से वो जाके। सर मैं आपसे, मेरा अगला सवाल वही था कि ये टेस्ट मैच अगर जीता इंडिया तो कहीं ना कहीं नंबर वन टीम बन जाती और फाइनल में पहुंचने के चांस बन जाते बिल्कुल। अब अपने को श्रीलंका सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज वाले उस पर वो करना पड़ेगा पॉइंट के आधार पर जाके, तो अब मतलब मुश्किल तो नहीं है, क्रिकेट में देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, आप भी समझते हैं। पर अगर ये टेस्ट मैच अगर भारत के पक्ष में रहता तो बहुत अपन फायदे में रहते, वन भी नंबर एक बन जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, अपने को मशक्कत दिया। अब तीसरा मैच है और हो सकता है सीरीज जिस तरह से अब ये जीत के यहाँ से अहमदाबाद जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो हौसला बुलंद रहेगा, सीरीज 2-2 से बराबर भी हो सकती है। सर इस पूरे मैच में अगर बात करें तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल रही है और कई सवाल भी उठ रहे हैं, पिच को लेकर तो सवाल उठना लाजमी ही है क्योंकि बल्लेबाजी ठीक तरीके से नहीं हो रही, लेकिन भारतीय बल्लेबाज जो है जो अपने ग्राउंड पर अपने पिचेस पर काफ़ी मजबूत माने जाते हैं वो खेल नहीं पा रहे थे और खासतौर से स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, तो ये एक विचारणीय प्रश्न है टीम प्रबंधन के सामने। राहुल भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्पिन खेलने के लिए जाने जाते हैं अपन, विकेट हो एक अलग बात है कि विकेट खराब बन गया असामान्य था वो जाके या पहले घंटे, पर आप स्पिन खेलने के लिए और स्पिन के जादू, आप देखिए लायन उनके दर से 8 विकेट ले गए दूसरी पारी में, पहली पारी में अपने दर जडेजा ले गए थे, अश्विन ले गए, तो अश्विन अगर आप स्कोर ही नहीं दे पाएंगे वो गेंदबाजों को तो बहुत मुश्किल आता है, 75 रन या 76 रन का टारगेट अगर सामने वाली टीम के पास है तो कई बार लगता है कि अपने इंदौर की गले मोहल्ले की टीम भी जी सर अब चूंकि 2-1 से सीरीज का ये कहें कि उसका स्कोर हो गया 2-1 से, अब जो चौथा टेस्ट खेला जाएगा उसमें क्या संभावना है, क्या भारतीय टीम कमबैक करने की स्थिति में रहेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया को एक सीरीज बराबरी करने का काफ़ी अच्छा मौका है? नहीं अब देखिए इनका मनोबल ऑस्ट्रेलिया टीम का बढ़ा हुआ हो जाएगा इस मैच की जीत के बाद से, तो अगर जिस तरह का यहाँ प्रदर्शन देखा है भारतीय बल्लेबाजों का, चाहे विराट हो, आप छोड़िए देखिए दोनों पारियों में सिर्फ पुजारा ही एक अर्धशतक बना पाए हैं, कोई पार्टनरशिप नहीं हुई, पहली पारी में भी देखिए आप मतलब दोहरे अंक में पहुंचने के लिए सारे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, आप बताइए 8-9-10 बल्लेबाज, तो अगर यही प्रदर्शन अगर वहाँ पे रहा, कुछ सीख लेके जाएंगे यहाँ से कि अगर ख़राब विकेट भी मिलेगा तो हम किस तरीके बल्लेबाजी करेंगे जैसे पुजारा ने की है, आप देखिए उसी वही विकेट था, पर आप देखिए ना गिल 200 रन बनाए थे अपने पिछली बार यहाँ इंदौर में आके, अब वो विकेट को तो दोष दे ही रहे हैं सब लोग, मेरे ख्याल से अब ICC क्या करेगी या BCCI क्या, कुल मिला के क्या होता है कि होम जिसका रहता है वही पिच का वो रहता है, ऑस्ट्रेलियन वालों ने नहीं बनाई है पिच यार, है ना, तो कहीं ना कहीं
अपनी टीम भी दो दिन पहले आ गई थी यार, पिच का मुआयना किया है राहुल द्रविड़ ने या BCCI की पिच कमेटी है उसके अनुसार ही ये पिच बना है। तो अगर इससे पिच अगर टेस्ट मैच के लिए बन रहे हैं तो टेस्ट मैच का क्रिकेट का दुर्भाग्य है। बल्लेबाज भी अपना अच्छे प्रदर्शन करने वाले भी बल्लेबाज, तो आपको इस विकेट इस तरह के विकेट अगर अहमदाबाद में भी मिल जाएगा तो फिर बल्लेबाजों के लिए परेशानी होगी। आशा करते हैं कि बेहतर हो स्थिति, भारतीय टीम अच्छे व्यापार करे। रोशनी, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अब चूंकि टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में जो दर्शक है वो अब निराश होकर अपने अपने घर को लौट रहे हैं। जो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, खासतौर से जो बल्लेबाज हैं विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, पुजारा हैं, इनके साथ में आप अगर ये दिग्गज बल्लेबाज जो वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में आते हैं, अगर ये बल्लेबाज भी इस तरह से फेल होने तो ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। और हालांकि ये बात ज़रूर है कि आप पिच को लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये रोशनी कहा जाएगा कि जो पिच भारतीय बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर थी वही पिच जो है वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए भी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ज़्यादा बेहतर तरीके से खेले, उन्होंने रन बनाए और उसी के चलते आज ये जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया की झोली में गया है। जो दर्शक काफ़ी उम्मीदें लेकर स्टेडियम पहुंचे थे वो अब निराश होकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 5 दिन का जो मैच है वो महज 2.5 दिन में ही खत्म हो गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इंदौर की पिच को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं वो कई सारे, अब ICC इसमें क्या, जैसा अनिल त्यागी जी ने बताया कि ICC ज़रूर इसको लेकर कुछ ना कुछ स्टेप लेगा। जो रिपोर्ट यहां से जाएगी दोनों कप्तानों की उसके आधार पर क्या फैसला लिया जाता है ये भी है। 1997 का एक जो दाग है वो इंदौर पर पहले ही लग चुका है, जब नेहरू स्टेडियम का जो विकेट था वो खतरनाक घोषित कर दिया गया था और इंदौर का जो ग्राउंड है वो ब्लैक लिस्ट में चला गया था, लेकिन हालांकि उसके बाद इंदौर ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया था और होलकर स्टेडियम जो नया पिच बना है, जो नया विकेट बना है, उसके बाद में अब यहाँ पर लगातार मैचेस हो रहे हैं, लेकिन ये जो टेस्ट मैच है इसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रोशनी, हम बात करेंगे हमारे जो साथी संवाददाता हैं अभिषेक मिश्रा, जो पूरे समय इस मैच को लेकर उन्होंने कवरेज किया है, कई पहलुओं पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी है। अभिषेक, क्या कहेंगे इस पूरे मैच को लेकर, काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा इंडिया का? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जब उसके प्रमुख खिलाड़ी वापस वतन लौट चुके थे। जेश हेजलवुड जैसे गेंदबाज उनके साथ नहीं थे, खुद कप्तान पैट कमिंस जा चुके थे, डेविड वार्नर टीम का हिस्सा नहीं थे, और ऐसे में इस टीम के साथ, इस प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को तब वापस करना जब आप श्रृंखला के शुरुआती दोनों मैच बुरी तरीके से पराजित हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन कहना होगा कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में जो एक डोर है वहाँ पर भारतीय टीम उलझती हुई दिखाई दी, क्योंकि भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया इस विकेट पर, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी खामी साबित हुई है, क्योंकि टर्निंग विकेट था और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि शुरुआती पहले ओवर से ही बॉल टर्न लेगा। हालांकि उसके एक दिन पहले जब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि शुरुआत के जो 25 से 30 ओवर्स रहेंगे वो इस मैच का रुख तय करेंगे। ऐसे में पहले बल्लेबाजी का फैसला, और शुरुआत में ही हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, गेंदबाजों ने पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों पर चढ़ाई करके रखी, तो ये एक सबसे बड़ा परेशानी का सबब रहा कि जो शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास ज्यादा था वो अति आत्मविश्वास में तब्दील हो गया और कहीं ना कहीं वो जो गड़बड़ी हुई उसका खामियाजा टीम को तीसरे टेस्ट में भुगतना पड़ा। लेकिन देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो ये आत्मविश्वास बढ़ा है ये अब चौथे टेस्ट में और या फिर आने वाले समय के लिए भी भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये पूरी एक नई टीम थी और इनके सामने कई चुनौतियां थी और इसके बाद वनडे सीरीज भी बाकी है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यदि आपने कमबैक किया है और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाला है, और जब भी कोई 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला होती है तो उसमें 8 से 10 दिन का गैप रखा जाता है 2 टेस्ट के बाद, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी रणनीति तैयार की है उसको एग्जीक्यूट किया है, वो पूरी तरीके से सफल साबित हुई है और भारतीय टीम जो एक लयबद्ध तरीके से जीतती हुई चल रही थी उसे एक इंदौर जैसे मैदान पर, जो सबसे ज़्यादा मुफीद माना गया है टीम इंडिया और टीम मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पर पराजित होना भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और यह भी कहना पड़ेगा कि यहां से निकलने के लिए, यहां से उबरने के लिए टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहां की परिस्थितियां पूरी तरीके से, मैं कहूंगा,
भारतीय टीम के अनुकूल थी, और उसके बावजूद यदि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स भारतीय दिग्गजों के सामने भारी पड़े तो ये निश्चित तौर पर अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा संकेत भी है। तो रोशनी, जो ओवर कॉन्फिडेंस था भारतीय टीम का वो कहीं ना कहीं हावी साबित हुआ है, और जो इंदौर एक लकी मैदान कहा जाता था भारतीय टीम के लिए, वहां पर टीम इंडिया को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। मैं यहाँ पर कुछ दर्शकों से बात करूंगा। रोशनी, जो ये मैच देखने के लिए आए थे, सर कितनी निराशा हुई है आपको भारतीय टीम की हार से, और केवल ढाई दिन में ही मैच खत्म हो गया? मुझे कोई भी निराशा नहीं हुआ। ऑलरेडी जो है टीम इंडिया जो है दो मैच जीत चुकी है, और अहमदाबाद में आपको मैं बोल रहा हूँ 110% जो है इंडिया जीत रही है। ये इंदौर में गेम है, गेम है, गेम में हार और जीत लगा रहता है। यहाँ हारी है कोई बात नहीं, आत्मविश्वास था वो हार गई, बस इतना ही। बतौर दर्शक जो हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, वो जरूर यहाँ पे पसंद कर रहे हैं कि टीम इंडिया यहाँ पे हार गई, लेकिन ये खेल का एक पार्ट है। आपको निराशा हुई, आप अच्छी बल्लेबाजी देखना चाहते थे, वो देखने को नहीं मिली? हम तो कोहली को देख लिया, वादी खत्म हो गई। विराट कोहली को देखना मतलब एक मैच जीतने के जैसा ही हुआ हमारे लिए, मतलब पूरी टीम को देखना, उनकी स्पिरिट, टीम स्पिरिट जो भी होता है सबका दिन होता है। ऑस्ट्रेलिया भी दो मैच हार रही थी तो हम जीत रहे थे, उनको निराशा हो रही थी, टीम स्पिरिट बना के रखे बढ़िया है। आपको लगता है कि इंदौर जो है लकी मैदान था, लेकिन टीम इंडिया उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे दर्शक लोग उम्मीद कर रहे थे? बिल्कुल, काफ़ी निराश हुए हैं, इंडिया हारी है, उम्मीद थी क्योंकि इंदौर एक ऐसा ग्राउंड है, यहाँ हमेशा लकी रहा है। और एक बात कहूँ तो T20 ने इंडिया की क्या किसी की बैटिंग भुला दी, उनको जल्दी रन बनाने की आदत पड़ी हुई है यहाँ पे। और अगला मैच अहमदाबाद में है, जरूर जीतेगी इंडिया, और कोहली की एक सेंचुरी आप देख सकते हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया को केवल 76 रन का टारगेट मिला था, आज जीरो पे जब पहला विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का, तब एक उम्मीद जागी, आप लोग स्टेडियम में थे? हाँ, हम लोग थे। जब पहला विकेट लगा तो हमें लगा था कि आज इंडिया चांस है, कमबैक कर सकती है, बट आफ्टर 10 ओवर उन्होंने गेम बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। ऑस्ट्रेलिया को उसके लिए तारीफ देना चाहिए कि उन्होंने स्पिन बहुत अच्छा खेला, स्पिन फ्रेंडली विकेट था, और जैसे लबूशन और हेड की जो पार्टनरशिप हुई वो उन्हें एक बहुत अच्छा मौका देकर आगे निकाल दिया मैच को। इंदौर एक लकी ग्राउंड है इंडिया, टीम इंडिया के, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, जो आज परिणाम आया वो अपेक्षानुरूप नहीं थे। हाँ, लकी होता है कभी कभार, आप कह सकते हैं कि जो अच्छा गेम खेलता है उस दिन वो उनका लक होता है। आज ऑस्ट्रेलिया का लक था, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, और जो परफॉर्मेंस दी एज ए स्पिन के अगेंस्ट तो वो बहुत ज़्यादा ही सराहनीय था, तो इस कारण वो जीते। और लक तो कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता। जी जी, क्या कहेंगे सर आप, क्या भारतीय टीम जैसी उम्मीद थी वैसे नहीं? नहीं, भारतीय टीम से जैसी उम्मीद थी वहाँ तक तो सवाल ठीक है। क्रिकेट का, क्रिकेट की परिभाषा के अंतर्गत ये देखने में आया है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर कि जितने भी पिच हैं भारत के वो स्पिन को मदद कर रहे थे, और दुनिया के सारे अखबारों के अंदर ये छपा है कि क्या नाम से भारत मूल के लोगों के लिए पिच बनाई गई है, ठीक है। और उससे क्या नाम से दो पिछले वाले मैच, जो नागपुर का मैच भी मैंने जाके देखा, तीन दिन में ख़त्म हो गया। इसके पहले लॉयन ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर में, पूना में मैंने भी देखा, तो लॉयन ने 5-7 विकेट निकाले थे, जैसे नागपुर में निकाले यहाँ पर निकाले और आपके दिल्ली में निकाले। अगर इस प्रकार की पिच बनेगी भारत में तो दूसरे मूल के लोगों के निगाह में भी भारत की परिस्थिति ये आएगी कि टेस्ट क्रिकेट से लोगों का रुझान निरंतर कम होते जाएगा, और उसका मूल कारण यह है कि भारत की जो परिस्थिति आज बनी है होलकर के स्टेडियम में वो ये थी कि क्या नाम से हम जीत सकते थे, लेकिन विराट कोहली का शॉट जो पहले लगा था, हम 150 के करीब जाते तो शायद भारत आज जीत की स्थिति में होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा किया। तो यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो ज़रूर रोशनी निराश नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसे एक गेम का एक पार्ट मान रहे हैं कि हार जीत होती है। टीम इंडिया ने कई सारी गलतियाँ की थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया टीम ज़्यादा तुलनात्मक रूप से इंडिया से ज़्यादा उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, इसलिए जीत आज उनकी हुई है। हम अभिषेक से दोबारा बात करेंगे। अभिषेक, पिच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जो पिच इंडिया के बल्लेबाजों को मिली वही पिच ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को भी मिली, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। क्या ऐसे में पिच के ऊपर सवाल उठाना लाजमी है, या फिर भारतीय टीम जो है उन्होंने गलती से ये कहें कि गलत शॉट खेल के अपने विकेट गंवाए? देखिए, विकेट पर जो सवाल उठे हैं वो उठना लाजमी है, क्योंकि भारतीय टीम ने पूरी अपनी तरफ से, दोनों भी हमने शुरुआती मैच देखे, अपने हिसाब से पिच को तैयार करने का प्रयास किया। अभी तक हमने देखा कि इंदौर का जो विकेट रहता है वो बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहता है। यहाँ पर हमने वनडे में 400 के करीब रन बनते देखे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने तकरीबन 450 रन बनाए थे। तो यहाँ ये एक पाटा विकेट होता है, और एक सपाट विकेट पर बल्लेबाजी आसान होती है, छोटा ग्राउंड है, रन भी अच्छे बनते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआती दो टेस्ट की तरह भारतीय टीम ने सोचा कि स्पिनर्स के लिए मददगार पिच बनाई जाए, लेकिन
ऑस्ट्रेलिया के साथ जो शुरुआती दो टेस्ट में थी, जो लगातार स्वीप शॉट खेल रहे थे और उसमें अपने विकेट दे रहे थे भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के तमाम जो फैंस हैं उन्होंने भी यहाँ पर मांग की थी कि अब स्वीप शॉट से ऑस्ट्रेलिया को बचना होगा, तो हमने देखा कि उसमें काफ़ी कमी की और उसका ये असर देखने को मिला कि गलत शॉट ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से कम हुए। उस्मान ख्वाजा ने जो 60 रन बनाए थे, मैं मानता हूँ पहली पारी में, वो ऑस्ट्रेलिया की जीत के आधार बने हैं, क्योंकि इस विकेट पर अगर आप अर्धशतक बना रहे हैं तो आप मानिए कि वो एक शतक के बराबर कहलाया जाएगा। लेकिन भारतीय टीम के लिए एक सबक है कि सभी परिस्थितियां अपने हिसाब से तैयार न की जाए, न्यूट्रल विकेट पर खेलें तो उससे परिणाम भी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि महज सवा दो दिन के भीतर अगर कोई टेस्ट मैच खत्म होता है और उसमें मेजबान टीम पराजित होती है तो ये निश्चित तौर पर बहुत विचारणीय पहलू है और भारतीय टीम और भारतीय टीम के मैनेजमेंट को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी, तो रोशनी, ये काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है, खासतौर से जो पिच को लेकर जो बात हो रही है उसको लेकर जरूर अब सवाल उठेगा। हमारे साथ में कुछ ऑस्ट्रेलियन दर्शक भी यहाँ पर मौजूद है जो मैच देखने के लिए यहाँ पे आए थे, अपनी टीम की हौसला अफजाई करने आए थे। Are you happy with the result? Yeah, very happy. It's good. It's good to see Travis Head make runs and be a bit more aggressive when they were batting. So, no, it was really good. It was impressive. It was a good experience. Now, series is 2-1. What are you expecting in Ahmedabad? I think if we can bat properly, and I guess Steve Smith's a good captain. I reckon he's probably a better captain with his field placements than Pat Cummins is, a bit more relaxed. So I think we can at least... No, hopefully a result similar to this one. Australian team can level the series. Yeah, I think so. I reckon even if we're a bit more organised and patient, we probably should have won the second test as well. So, I think both teams are pretty even, especially with the similar pitches. So, yeah, I think we can win the fourth test. Yeah. What do you think? What went wrong for Team India? Their batting that failed. I think maybe they just got a bit overconfident and they weren't patient enough. You saw in our first innings going at 2 and over and Hanscom, it was just about time, whereas they probably thought they could come out and be aggressive. And with the two new spinners, they could probably get on top of them, but with someone like Nathan Lyon, who you saw in the second innings, he's too experienced to be hit around. So I just thought... I probably weren't patient enough and too confident really. तो जो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये मान रहे हैं कि भारतीय टीम का ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं वो एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए जो उनकी दो स्पिनर्स हैं, नैथन लायन खास तौर से अगर उनकी बात करें तो उनको एक ये कहें कि सबसे प्रमुख कड़ी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया की इस जीत का। हमारे साथ में कुछ बात करेंगे। सर, आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? यस, श्योर, या हाय। What are you expecting in next match in Ahmedabad? Well, it'll be a close game, won't it? It's been a close series, so 2-2 will be good. Okay. Yeah. After that, one day series is also there. Beg your pardon, sir? After test series, one day series is also there. Oh yeah, sure. Yeah. Well, that'll be fantastic too, especially the one caddy. Yeah. We're going to one caddy. What are you expecting in one day series? I'm not all that interested in white ball cricket. I like test match. Okay. Yeah. White ball cricket is a bit of fun, but nothing like test match. But it was a bit disappointing this game because it only went for 2 days and 1 hour. You know, 5 day test match is a bit of a fizzog, as we say in Australia. The pitch didn't work. You think so? Yeah, well, the pitch was a bit underprepared. Yeah, it was a very disappointing wicket. Yeah, I mean, the BCC need to address the wickets in India. So we can have a better game of cricket. You know, the game can go 3-4 days. You know, 2 day test match is not good enough. जी, तो रोशनी, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन दर्शक हैं जो इतने दूर से ये मैच देखने के लिए आए थे, वो मानते हैं कि 2 दिन और 1 घंटे की में ही ये पूरा टेस्ट मैच खत्म हो गया, जबकि ये 5 दिन का मैच है। लेकिन अगर इस तरह से ही ये मैच जो है, टेस्ट मैच जो है, वो अगर ख़त्म होते रहे तो ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा है, और उससे दर्शकों का जो ये कहें कि रुचि है टेस्ट क्रिकेट के प्रति वो भी खत्म होगी। ये जो दर्शक हैं, ऑस्ट्रेलिया दर्शक जिनसे हमने बात की रोशनी, ये खास से ये कहें कि टेस्ट मैच देखने के लिए ही या टेस्ट सीरीज में शामिल होने के लिए ही यहाँ पर आए थे। वनडे सीरीज से उनको इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट को ही वो असली क्रिकेट मानते हैं, कलात्मक क्रिकेट मानते हैं, इसलिए वो इतने दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। आप मैच देखने आए थे, निराशा हुई? अगर हम भारतीय दर्शकों के लिहाज से अगर बात करें तो निराशा इसलिए हुई कि इंडियन क्रिकेट टीम को बचपन से स्पिन खेलना सिखाया जाता है,
और हम इंडियन विकेट पे स्पिन खेलते हैं और फिर हम विकेट भी अपने हिसाब से बनाते हैं, तो आप स्पिन भी नहीं खेल पा रहे हैं, विकेट भी अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशन केयरलेसनेस, हमने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया और जिस तरह से विकेट गा रहे हैं, तो ये सब एक दर्शकों के नाते बड़ी निराशाजनक चीज़ है, क्योंकि हमने इसके पहले वनडे देखा वो हमने 400 रन तक बनाए तो विकेट बैलेंस था, तो विकेट का भी बहुत किस तरह से प्रिपेयर करी जा रही है या आप करवा रहे हो उस तरह से प्रिपेयर, यदि आप करवा रहे हो तो फिर आप उस तरह का खेल दिखाओ। सामने वाले फॉरेन टीम आ रही है वो स्पिन खेल रहे फेंक रही है और हम स्पिनर जो पैदाइशी स्पिनर खेलना जानते वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपना सेल्फ आकलन करना होगा ताकि हम आगे के मैचेस के लिए अपनी मजबूती करें। लेकिन आप क्या मानते हैं कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी जो है वो विफल हुई इसलिए टीम हारी या फिर विकेट जो था उसको आप दोष देते हैं? विफल अप्लीकेशन होती है, परिस्थितियाँ कोई सी भी हो, बल्लेबाज अपने आप को कैसे अप्लाई कर रहा है। रोहित शर्मा को स्टेप आउट होने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, हमने जो शॉट्स खेले, चेतेश्वर पुजारा को फर्स्ट इनिंग में हट के नहीं मारना था। बात ये नहीं कि आप, क्योंकि आप स्थाई बैट्समैन हो, आपको पांच टॉप ऑर्डर को इसलिए लिया जाता है कि आप अच्छे से खेलोगे और आपको मालूम है कि आप इंडियन सॉइल पे खेल रहे हो और उनको मालूम है कि टीम सामने वाली कैसी, उसके बाद अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड होती है, उसके बावजूद भी यदि हम अपनी बैटिंग की एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो बैटिंग के अप्लाई होना ही खामियाजा है बहुत बड़ा कि हमने अपने आप को कैसे डाला, क्योंकि कोई भी क्रिकेट टीम का परिस्थिति के हिसाब से खेलना होता है, रेड लाइट हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, T20 का गेम है, यदि आप परिस्थिति को ढाल के नहीं खेल पा रहे हो तो उसको खुद को ही दोष देना होगा। अब 2-1 से हो गई है सीरीज, आखिरी मैच जो है वो अहमदाबाद में खेला जाना है, क्या आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस जीत से उत्साहित होकर कमबैक करेगा? वो कमबैक करेंगे लेकिन इंडियन टीम भी अपनी गलतियों से लेके ज़्यादा बाउंस बैक करेगी, तो मैं 3-1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी भी भारतीय टीम के जो प्रशंसक हैं वो ये मानते हैं कि टीम इंडिया की हार जरूर हुई है यहाँ पर, लेकिन वो सीरीज के जो देंगे और जो गलतियाँ यहाँ पे की हैं जी जाएंगी, साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो विकेट को लेकर बात कही जा रही है भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं, भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने कई गलत शॉट्स खेले और उसके चलते उन्होंने अपने विकेट भी गंवाया और वही एक सबसे बड़ा विकेट को इतना ज़्यादा दोष नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस विकेट पर भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है उसी विकेट पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी बल्लेबाजी की और रन बनाए, तो कुल मिलाकर ये माना जाएगा कि एक काफ़ी अच्छे स्पिरिट में यहाँ पर इंडिया की इस हार को भारतीय क्रिकेट प्रेमी कहीं ना कहीं हार के रूप में टीम को चुकाना पड़ा और अब एक नए ये कहें कि माइंडसेट के साथ में टीम इंडिया अहमदाबाद जाएगी और जो गलतियां यहां पर की हैं वो अब दोहराई नहीं जाएंगे और ऐसे में भारतीय टीम ये 4 मैचों की जो सीरीज है वो 3-1 से जीतेगी, ऐसा इन क्रिकेट प्रेमियों का मानना है। राहुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल वावीकर जी, जिन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में पिच को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, मुकाबले के पहले दिन ही, टेस्ट मैच के पहले दिन ही 14 विकेट गिर गए थे। ये आशंका जताई जा रही थी कि मुकाबला एक बार फिर 3 दिन के भीतर ही खत्म हो जाएगा। आज होलकर स्टेडियम की पिच पर स्पिनर्स को पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा टर्न्स मिल रही थी और खेलना मुश्किल हो रहा था, और आज तीसरा दिन है और ये मैच जो मुकाबला है T20 का वो ऑस्ट्रेलिया की झोली में जा गिरा है। कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा है भारतीय टीम के लिए। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।